सबको गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज है रामनवमी, तो पहले तो आप सबको रामनवमी हैप्पी रामनवमी करके, और सुबह के बज चुके हैं 6:30, दिखाती हूँ आपको इस तरह से 6:30 बजे है सुबह के, और मुझे जाना है आज मेला में। आज मेला है, खानोड़ा में मेला है, खानोड़ा में राम मंदिर है, वहाँ पर मेला है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। हेमा भी आएगी मेरे साथ में, और केतन और ज्योति बाद में आएंगे करके, और मेरी पूजा वगैरह हो गई, सारा घर का काम मैंने कर लिया है, दिखाती हूँ आपको। मैंने पूजा कर ली, पूरे घर का काम भी मेरा हो गया है, फिनिश कर दिया मैंने सब। इस तरह से मेरा काम सब हो गया है, बस अभी निकलना है यहाँ से, बस में हम लोग जाने वाले हैं। तो चलो अभी मैं वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ, राम भगवान के दर्शन भी करवाऊंगी, खानोड़ा में राम मंदिर कैसा है वो भी दिखाऊंगी आपको। हेलो गाइस, मैं खानोड़ा पहुँच चुकी हूँ, आते आते 10 बज गए, 7 बजे से निकले थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सिरसर फाटा से बहुत ही ट्रैफिक मिला हम लोग को करके। चलो कोई बात नहीं, पहुँच गए हम लोग करके, दुकान मेरा स्टार्ट हो गया है, दिखाती हूँ आपको, राम मंदिर भी दिखाती हूँ। ये यहाँ पर है राम मंदिर, इस तरह से बाद में जाऊंगी मैं दर्शन के लिए। यहाँ पे दुकान खुली है कोई नहीं, ये मंदिर है, और ये है मेरी मेला, मेरा जत्रा है, मेरी दुकान लग चुकी है। हेमा भी मेरे साथ थी इस तरह से मैंने दुकान सारी लगा दी है। काम सभी लोग बिजी है, और हिमाची के पापा कहीं गए हैं, यहाँ पर कहीं गए हैं करके, देखिए कहाँ गए, तो अभी आएंगे तो उनसे भी मिलवाऊंगी। हेलो गाइस, मैं राम मंदिर में आ गई हूँ, आपको दर्शन करवाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से मंदिर है, किस तरह से इसमें प्रोग्राम होता है। ये है राम मंदिर, यहाँ से अंदर जाना है। मंदिर, मंदिर का गेट, यहाँ पर होएगा कीर्तन चालू होने वाला है, यहाँ पर अभी कीर्तन चालू होएगा। बताती हूँ आपको, राम भगवान के दर्शन करवाती हूँ। बहुत ही प्यारा दर्शन, गणपति बाप्पा, ये हमारे लाडले गणपति बाप्पा, यहाँ पर है हनुमान दादा, देख सकते हो बहुत ही प्यारा मंदिर है। अभी यहाँ पे कीर्तन चालू होएगा, और उसके बाद में फिर राम जन्म होएगा, 12:30-1 बजे राम जन्म होता है, उसके बाद में आरती होएगी करके, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। कीर्तन चालू होएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शाम को राम भगवान की पालखी निकलेगी, मेला रहता है पूरा दिन भर करके, तैयारी चालू है, दिखाती हूँ आपको मैं। ये है हार, बाहर सारे हार फूल वाले हैं, यहाँ पे हार फूल मिलता है। यहाँ पर हार फूल वगैरह मिलता है, ये ताई बैठे हैं,
देख सकते हैं। क्या नाम बोले? सरस्वती फूड कॉर्नर। हाँ, सरस्वती फूड कॉर्नर उन्होंने दुकान डाला है इस तरह से, बहुत ही प्यारा अच्छा है और गरम गरम आपको सब मिलेगा, चाय वगैरह। ये दुकान ये भैया की है और ये ताई की है और ये बाजू में ही मंदिर है, खानौड़ा मंदिर, राम मंदिर खानौड़ा, और बाजू में दुकान है। किसी उदाहरण संगो एक उदाहरण संगता है का भगवान प्रभु रामचंद्र वनवासाला जातात आणि वनवासाला जात असताना पहिला दिवस असतो, पहिला दिवस वनवासातला आणि लक्ष्मण झोपडीच्या बाहेर बसले आहे, चंद्रकाचे सात वाजलेले आहेत, आठ वाजलेले आहेत। यहाँ पर कीर्तन चालू है और कीर्तन के बाद में फिर होएगा करके आरती होएगी, भगवान का राम भगवान का जन्म होएगा, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से होता है करके। भगवान का जन्म हो गया है, अभी आरती चालू है, दिखाती हूँ आपको। सब आवाज आ रही होगी, मंदिर में आरती चालू है और हिमांशु के पापा को दिखाती हूँ, सुबह से दिखाई नहीं दिए थे, काम में थे। शाम के बज चुके हैं 7:30 बजे और बहुत गर्दी है, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से गर्दी है, किस तरह से लाइट लगी है। ये है मंदिर और बहुत बड़ी सी लाइन लगी हुई है। लाइन भी बहुत बड़ी लगी है, देख सकते हैं आप। बस अभी थोड़ा टाइम में पालकी निकलेगा, रात को 9 बजे के बाद में पालकी निकलेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत गर्दी है, दुकान में भी गर्दी है, बहुत बड़ी लाइन लगी है, देख सकते हैं आप। इस तरह से राम भगवान की पालकी निकली, अभी 12 बजे राम भगवान की पालकी निकली, अभी पूरे गांव में घूमेगी और सुबह 4 बजे आएंगी और मेरा माल सब खत्म भी हो गया है, दिखाती हूँ आपको। बस मेरा माल थोड़ा ही बचा है, बाकी सब खत्म हो गया, दुकान भी तोड़ने लग गए हैं और सब लोग थक गए हैं, पूरा मुंह काला काला हो गया है दिन भर काम करके, और धूप भी था दोपहर को करके। चलो कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा गया, सबको हैप्पी रामनवमी, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाय बाय।